देखिए न्यू बिग पिक्चर अंधकार मय का चक्रव्यूह संडे सुबह 11:30 बजे सिर्फ पोगो पर। देखो मुझे आइडिया ठीक नहीं लग रहा। चलो चिंता मत करो, मैं घुस सकता हूँ इस सुरंग में, उन्हें अभी पकड़ के लाता हूँ। लंगोट आओ मेरे पीछे। ये कैसे हुआ? पकड़ लिया। मनी ये सब क्या है? तुम सब कितने क्यूट लग रहे हो। घबराओ मत, मुझे बताओ क्या तुम दोनों किसी डरावनी दिखने वाली सुरंग में घुसे थे? सब लोग लेखा के साथ हैं, मीना के साथ कोई भी नहीं है। तो तय रहा, जो वो जादुई जड़ी बूटी हासिल करेगा वो कलरी में ज्यादा माहिर। मंजूर है। यहाँ लेखा मुसीबत में और वहाँ मीना। हम भी करेंगे। मैं आ रहा हूँ मीना। रुको रुको। पकड़ लिया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेखा इसे पकड़ो। थैंक्स बीनो। उस द्वार को तुम दोनों की मिली जुली ताकत से ही खोला जा सकता है। जाओ। बहुत अच्छे, पूरी ताकत लगा दो। ये तुम क्या कर रही हो? अपनी जीत का इनाम ले रही हूँ। कैसी जीत? कौन सी जीत? याद है ना, यहाँ आने का आइडिया मेरा था, पर हिम्मत तो पहले मैंने दिखाई यहाँ आने की, पर पहुँची तो पहले मैं। हम पूरा दिन ऐसे नहीं रह सकते, जल्दी कुछ करो। हम जब फिर से पहले जैसे हो गए। तुम दोनों वाकई बहुत बहादुर और होशियार हो। हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लड़कियाँ होती ही है बहादुर और होशियार भी। सही कहा। तो अब तो तुम दोनों दोस्त बन गए ना? दोस्त? कभी नहीं। ये लड़कियाँ भी ना। तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। रोको! अप्पा अब हम मंदिर कैसे पहुँचेंगे? हम दूसरा रास्ता ढूंढ निकालेंगे मीना, आगे बढ़ती रहो। गुरु वीटा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, हो सकता है वो मंदिर के अंदर हो। हमें अंदर जाना होगा। अब ड्रामा बंद करो, मैंने कहा ना भूत वूत सिर्फ कहानियों में होते हैं। नहीं अम्मी, भूत होते हैं। बीनू रोको उसे। Yeah.
आपकी प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं गांव वालों के लिए कुछ कर रहा हूँ तो करने क्यों नहीं देते? मैं मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसी का डर था। मंदिर के रखवालों, हमसे गलती हो गई। हम ये गहना वापस कर यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। कोई माफी नहीं, सजा मिलेगी। अच्छो, तैयार हो जाओ। इनसे छुटकारा कैसे पाए? उस गहने को वापस उसकी जगह पर रखना होगा। बस आप उसे मुझ तक पहुंचा दीजिए। हाँ, पीनू सही कह रहा है, हम सबको मिलकर ये करना होगा। शाम पकड़ो। लेखा, कैच, गुरुजी, पकड़िए। इस तरफ। हाँ, देख लिया। अरे हमें इन फूलों के बारे में और बताइए ना। हमें वो फूल जंगल में कहाँ मिलेंगे? सबर करो, देखो ये फूल जंगल के बीचों बीच एक जादुई तालाब में खिलते हैं। हमें अभी निकलना चाहिए, कुछ ही घंटों में शाम हो जाएगी। ठीक है, पर एक शर्त पर, उत्सव शुरू होने से पहले लौट आना, फूल ना मिले तब भी। हाँ हाँ, प्रॉमिस प्रॉमिस, जल्दी आ जाएंगे। इस साल पालन भैया अपने बच्चों को वो विशेष फूल लाने भेज रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? इसमें सोचना क्या है दाना, हमें उन फूलों तक बीनों के पहले पहुंचना है। शाबाश राका, तुमसे यही उम्मीद थी। वो फूल लेकर आना तुम लोगों के बस की बात नहीं है, ये काम सिर्फ रागा ही कर सकता है। हम सबको अंधेरा होने से पहले उन फूलों तक पहुंच जाना चाहिए। क्यों ना हम ऐसा करें, जो भी सबसे ज्यादा फूल इकट्ठा करेगा उन्हीं के फूलों का हार उत्सव में चढ़ाया जाएगा, क्या कहते हो? चलो, आखिर किसी ने तो दिमाग का इस्तेमाल किया। अंधेरा भी हो रहा है और बच्चों को निकले काफी समय भी बीत चुका है। मुझे एक काम याद आया, मैं बस अभी वापस आया। शर्त याद है ना बीनू, शायद हमें मंदिर वापस चले जाना चाहिए। मेरी नाक चमक रही है। गुरुजी ने कहा था ये हमें रास्ता बता सकते हैं। क्या आप हमें जंगल के बीचों बीच वाले तालाब तक का रास्ता बता सकते हैं? Yeah.
91 92 रुको मत, डरते रहो 91 92 रुको मत, डरते रहो। अब्बा प्लीज 5 मिनट ब्रेक दीजिए ना प्लीज। हाँ गुरुजी। ले लो पर बस 3 मिनट। यहाँ हम इतना पसीना बहा रहे हैं और वो वहाँ मजे कर रहे हैं। बहुत हुआ ब्रेक, वापस आओ। श्याम तुम अचानक नीले क्यों पड़ रहे हो? नीला और मैं? देखो तो राका, इसे तो नीलिया हो गया। हाँ वो क्या होता है? अब श्याम धीरे धीरे पूरा का पूरा नीला हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। तुम सब मुझसे ऐसे डर क्यों रहे हो? ये क्या हो रहा है? गुरुजी, मीना, गुरुजी। चलो हमें शाम की मदद करनी चाहिए। देखो डरो मत, वो ठीक हो जाएगा। बचाओ मुझे, बचाओ मीना, मीना। मीना उसे छुओ मत। ये तो सिर्फ जंगली नील फूल का रंग है जो पानी से धुल जाएगा। श्याम, श्याम अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम ठीक हो ना श्याम? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? ये नीला फूल राका ने तुम पर फेंका था। क्या? पहले तो उसने फूल फेंका और फिर झूठी बात फैलाई। ये कैसा घिनौना मजाक है? राका ने जो भी किया वो गलत था, क्यों ना हम मजाक का बदला मजाक से ले। लगता है बीनू और उसके चेलों ने हमारी बात को सच मान लिया। नहीं, अमी को छोड़ दो श्याम। नो अमी। जानता हूँ तुम्ही ने मेरी हालत की है, अब तुम नहीं बचोगे। ये ठीक नहीं किया तुमने, मैं तुमको गुरुजी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन? जन्मदिन? हैप्पी बर्थडे गुरुजी। मैं अप्पा का जन्मदिन कैसे भूल गया? हमें बताइए आपको क्या चाहिए गुरुजी, हमें वो चीज आपको देने में खुशी होगी। अब ये तो तुम सबको सोचना होगा कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलेगी। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलेगी? अप्पा तो सबसे ज्यादा खुश सिर्फ तब होते हैं जब हम पालन अंकल के किसी स्टूडेंट को हराते हैं, और खासकर उस बीनू को। और बीनू के साथ मुकाबला कौन करेगा? राका। हाँ।
मैं अभी आया। बीनू, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। आज अप्पा का जन्मदिन है और हमें उन्हें एक खास तोहफा है कि तुम राका से कलरी के मुकाबले में हार जाओ। क्या? मगर क्यों? क्योंकि अप्पा ये देखकर बहुत खुश होंगे। तो राका से क्यों नहीं कहते कि मुझसे जीत कर दिखाए? हम जानते हैं कि राका तुमसे जीत नहीं सकता, इसीलिए तो तुम्हें हारने को कह रहे हैं। गुरु जी, कभी कभी हार कर भी जीता जा सकता है। ठीक है, मगर वो गुरु। अरे अगर मगर छोड़ो, चलो हमारे साथ। चलो अभी। ये मीना अचानक कहाँ जा रही है? इतनी एक्सरसाइज के बाद एक सेल्फी तो बनती है। ये गुरुजी अचानक कहाँ जा रहे हैं? उम्मीद है तुम सब मुझे निराश नहीं करोगे। तुम यहाँ? तुम भी यहाँ? और तुम भी? बीनू अपने हमेशा के पैतरे से वार करने वाला है। लगता है तुम बच्चों को मेरा मन पढ़ना आता है। ये कैसे किया? कैसे किया आपने? हो सकता है कभी तुम्हें खतरा दिखाई ना दे, पर सुनाई जरूर देगा, और तब तुम्हें खतरे को सिर्फ सुनकर उससे लड़ना होगा। मीना, मुझे अपनी पायल देना। चलो अब तुम सब कोशिश करो। घबराओ मत, आवाज की दिशा पहचानने पर जोर दो। चीटिंग नहीं। ओप्स, सॉरी। ये तो बड़ा कठिन काम लगता है। अब सब कुछ तो डांस की तरह आसान नहीं हो सकता ना। तुम्हें लगता है डांस करना आसान बात है? उसमें क्या बड़ी बात है, किसी भी तरह बॉडी को हिलाओ, हो गया डांस। जैसे तुम्हारा वो मोहिनी अट्टम। देखिए ना अप्पा, इसने मेरे डांस का मजाक उड़ाया। आप कुछ कहिए ना उसे। अब नाचना आसान है या मुश्किल, ये तो नाच सीखने से ही पता चलेगा ना। राका, मुझे वापस जाना है। Shui!
हमें भी यही तरीका अपनाना चाहिए। चलो मनी। हमसे ज्यादा फूल इकट्ठा करने मत देना। जल्दी सब तालाब से बाहर निकलो। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं मनी। गुरुजी को इन्हीं फूलों से खुश होना पड़ेगा। ठीक है। गुरुजी, हम फूले आए। हम सारे कलरीपुरम के वासी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। क्या ये तरकीब काम करेगी? बिल्कुल करेगी। ये खास डांस हमें गजहस्ती के स्वागत के लिए सिखाया गया था। कहा जाता है कि उन्हें ये बहुत पसंद है। गजहस्ती यहाँ है ही नहीं। हमें वापस गजमेला चले जाना चाहिए। कोई बात नहीं मीना, तुमने पूरी कोशिश की। अरे ये कहाँ जा रहा है? ये भी नहीं, मेरे चमचमाते गहने की छुनछुन सबसे अनोखी है। ये आरती तो बात कर रहा है। गजहस्ती, आपकी खोई हुई छमछम वापस लाने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए। सच्ची? मुची। ये बीनू और उसके चेले गुरु हीटा का पीछा क्यों कर रहे हैं? चलो राका, उन्हें जाके रोक। हाँ। मेरे पास आ ही गई। अरे ये कहाँ जा रहा है? गजहस्ती, आप? ये आखिर मुझे अपनी छमछम वापस मिल गई। मगर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इन बच्चों का जो मेरी छमछम को मुझ तक वापस ले आए। शाबाश बच्चों। मुझे नहीं पता था तुम लोग यहाँ भैंसों के साथ नहाते हो। अच्छा है, अच्छा है। अरे ये तो मेरी बॉल है, ला मुझे वापस करो। अच्छा तो ये तेरी बॉल है जिसने हमारी ये हालत की। तुझे तो मजा चखाना पड़ेगा। हाँ?
क्या करना होगा? तुम्हें ये तीन चुनौतियाँ पार करनी है। पहले इस खंबे के बीच तक चढ़कर ये करतब करके दिखाना होगा। फिर इन लकड़ियों के वार से अपने आप को बचाना होगा। और आखिर में नारियल के पेड़ पर चलकर नाले को पार करना होगा। ये तीनों चुनौतियाँ तो बड़ी मुश्किल है, हम इन्हें कैसे कर पाएंगे? तो तुम में से कौन सबसे पहले जाएगा? बीनू, बहादुर बच्चा। जाओ ना, जाओ जाओ। आओ, तुम आओ। बीनू, तुम कर सकते हो। सिर्फ खंबे पर चढ़ना है, कुछ लकड़ियों से बचना है और ये नाला पार करना है। इस खंबे पर पकड़ बनाना बहुत मुश्किल है। ये लकड़ियाँ, ये पेड़ का तना तो घूमने लगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अच्छा कर सकते हो तो आओ और करके दिखाओ। हाँ हाँ, जरूर जरूर, मेरे स्टूडेंट्स तुमसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। बच्चों, दिखा दो इन्हें कि मैंने तुम्हें कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी है। तो कौन आ रहा है? क्या चाहिए? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हमें आपका फोन चाहिए, बस बस एक कॉल करनी है। नहीं मिलेगा। प्लीज, छोड़ो। प्लीज, बस इमरजेंसी है, जल्दी कर लेंगे। प्लीज प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जल्दी करो। करो शाम, हो सकता है तुम ही फोन कहीं रख कर भूल गए हो, हो सकता है फोन आसपास ही हो और हम उसे यहाँ वहाँ ढूंढते फिर रहे हैं। नहीं बीनू, मेरा फोन राका और धाना ने ही छुपाया है। ये तो हमारी इज्जत को कुबर में मिलाने लगा है, कुछ करो राका। राका से उलझोगे तो मुंह की खाओगे। पहले मेरा मोबाइल छुपाया और अब ये मजान। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इससे तो ये दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देंगे। तुम दोनों कर क्या रहे हो? ये कोई मोबाइल ढूंढने का हल नहीं है। हेलो श्याम। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है वो गलत है। तो आपको सही नंबर पता है क्या? हेलो हेलो। अरे अब तक 10 फोन लगा चुके हो, और कितने लगाओगे? बस एक और, बस बस एक 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 और। ये लीजिए, आपका फोन खराब हो गया। ओह, तुम दोनों भाग भाग।